आज की ताजा खबर ओ भाई ओ भाई भूकंप आ गया। डम 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 बीटीएस की कॉफी। प्यारा बच्चा तो ये है स्टेशन दीन दयाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मैग बी। आपका चैलेंज बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है क्योंकि मैं रहने वाली हूँ 24 आवर्स के लिए ट्रेन में। तो देखते हैं मैं पूरे 24 आवर्स तक ट्रेन में कैसे रहती हूँ, क्या क्या होता है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरा 1 मिलियन का गिव अवे चल रहा है, तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। जो भी चीजें मैं गिव अवे कर रही हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जाओ जल्दी से गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। बस आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो पे करना है कमेंट। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड। तो चलो जल्दी से चलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कौन सी ट्रेन में हूँ और कैसा दिखता है। अभी तो हम यहाँ पे आ गए हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आराम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही भाग भाग के आई हूँ और जो हमारी ट्रेन थी वो छूटने वाली थी लेकिन छूटते छूटते बच गई। मेरे साथ मेरी स्पेशल गेस्ट भी ना दिन बिताएंगे, ये है मकासा। तो हमें अभी ट्रेन में एंटर करते ही मिला है न्यूज़पेपर। पहले पेज पे ही यूट्यूब का न्यूज है। तो अब हम नाटक कर लेते न्यूज़पेपर पढ़ने का, वैसे तो मन नहीं है मेरा। आज की ताजा खबर, जो ना अंकल होते हैं बिल्कुल मोटे मोटे अंकल चाय पीते हुए ऐसे पढ़ते हैं अखबार। अखबार पढ़ते नहीं ज्यादा, वो ज्यादा ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मकासा अपने हाथ पैरों को क्या कर रहा है। गाइस अभी पानी मिले बाप को मत सिखा चल। तो मैं यहाँ पे आराम करने थोड़ी आई हूँ, भैया मकासा महाराजा को लेकर आए तो उसके लिए खातिरदारी भी तो करनी पड़ेगी। तो अभी हम उसका वॉशरूम तैयार करेंगे, तो उसका सारा सामान है इस ट्रॉली में, तो अभी इसको निकालना पड़ेगा। महाराज आपके लिए आपका वॉशरूम बिल्कुल तैयार है, लग्जरी वॉशरूम। तो हमें जो ये रियल नीर का जल मिला है इसको मैं थोड़ा सा अपने अंदर निगल लेती हूँ। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, और इतनी अच्छी धूप आ रही है यार, ये मतलब ऐसा चैलेंज होने वाला है जिसमें मजे ही मजे हैं। मेरी चाय। मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो इसलिए मैं अब पी रही हूँ चाय, जो कि है घर की चाय। वैसे यहाँ भी मिलेगी लेकिन हमें लगा कोविड की ऐसा भी नहीं मिलेगा कुछ भी, तो इसलिए अम्मी घर से बनाकर लाई है सब कुछ। लेकिन मैंने सुना है कि ट्रेन की चाय में बहुत ज्यादा पानी और दूध होती है एक बूंद, तो चलो वो भी पी के मैं आपको बताऊंगी वो कैसा होगा। वो चाय कैसी है, ये चाय कैसी हाँ, है। चाय तो मुझे 100 बार मिले तो 100 बार पी लूँ, तो है ना। आप लोग बताओ कि आपको चाय पसंद है या कॉफी। तो चाय पीते पीते यहाँ पर आ गया है हमारे लिए स्नैक्स, तो चलो वो खाते हैं। और मुझे नहीं पता था ये मिलेगा इतना सारा कुछ, तो चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। तो हमें मिला ये समोसे, एक तो ट्रेन इतनी हिल रही है ना उसकी वजह से सही नहीं हो पा रहा। और ये है ड्राई फ्रूट्स, ये पोहा है और ये है हमारे लिए फ्रूटी, और इसमें है सोन पापड़ी तीखी। चाय और समोसे। तो अभी बारी आती है टी किट को यूज करने की। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी 5 मिनट पहले, लेकिन ये देख लिया मैंने तो मेरा अभी भी मन कर रहा है कि मैं फिर से दोबारा चाय पी लूँ। तो चलो अब चाय बनाते हैं, ट्रेन की चाय बनाएंगे हम खुद से अच्छी। ये हमारे पास मिला है खजाना, अभी इसमें डालेंगे दूध, लेकिन इतने से दूध में काम नहीं चलेगा यार। ये हमने बनाया है DIY दूध, DIY दूध के साथ हम डालेंगे DIY चीनी। कौन कौन मेरे हाथ की वाली चाय पीना चाहता है बताओ। अब मैं बताऊंगी कि घर की चाय अच्छी है या फिर जो मैंने चाय बनाई है वो वाली अच्छी है। इसका कलर कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। इसमें हमें सोन पापड़ी मिली थी तो थोड़ा सा मैं ये भी खाऊंगी। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, घर की चाय बेस्ट। तो ये फेल हुआ, अगर हम घर की चाय नहीं लाते तो मैं जिंदा कैसे रहती। देखिए दुर्राटे काट रही है। ओम ओ भाई ओ भाई भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो गाइस यहाँ पे सनसेट हो रहा है, मैं पहली बार देख रही हूँ और इतना प्यारा लग रहा है पूरा सीन। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी बाहर का नजारा। ये है ऐसा, यहाँ पे रैंप वॉक कर सकते हैं हम।
कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं तो हवा में उड़ रही हूँ आज क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ आराम करने क्योंकि मैं सुबह से थक चुकी हूँ। और अभी यहाँ पे बेडशीट नहीं मिली हमें क्योंकि कोविड की वजह से यहाँ पे अभी सब कुछ बंद है। खाना पीना मिलता है लेकिन बेडशीट ब्लैंकेट ये सब अभी नहीं मिलता, लेकिन हम घर से ले आए। तो हम मैं आपको बता देती हूँ हमारी जो ट्रेन पहुंचेगी, जो डेस्टिनेशन हमारी, वो पहुंचेगी सुबह 4 बजे। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से कोई सोने वाला है। कोई सोएगा? कोई नहीं सोएगा यहाँ पे, सब अपनी अपनी आंखें खोल कर रखेंगे बिल्कुल उल्लू की तरह। तो अभी आ गया है टाइम 5 कमेंट्स पढ़ने का, तो देखते हैं आज के 5 कमेंट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट कमेंट है मौज यूजर वीडियो का, दी आपके बाल बचपन से स्ट्रेट है या आप हर दिन अपने बालों को स्ट्रेट करती हैं, प्लीज रिप्लाई मी। तो मैं अपने बाल रोज नहीं स्ट्रेट करती, मतलब जब मेरा वीडियो शूट होता है तभी मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करती हूँ, वैसे ये ऐसे ही रहता है, मेरे बाल कर्ली है। सेकेंड कमेंट है YYG100 का, टंग ट्विस्टर फॉर यू। टंग ट्विस्टर में तो मैं बहुत खराब हूँ। क्वेश्चन सौ A kitten eating chicken in the kitchen. Say 2 times very fast. Cushion saw a kitten eating chicken in the kitchen. Cushion saw a kitten eating chicken in the kitchen. What? तो हम इसको एक बारी और ट्राई करेंगे। कुशन सॉ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। कुशन सॉ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। थोड़ा बहुत ठीक था पर मैं अच्छे से नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ टंग ट्विस्टर में, ऐसा तो मैं बिल्कुल तोतली सी हो गई। थर्ड कमेंट है 5 मिनट आर्ट एंड क्राफ्ट, प्लीज मकासा का मॉर्निंग रूटीन व्लॉग बनाए। तो मकासा का मॉर्निंग रूटीन अगर आपको देखना है तो प्लीज आप जाके रिक्वेस्ट करो समरीन अली व्लॉग्स पर, क्योंकि वो ही आपको उसका पूरा रूटीन दिखाएगी। तो जाओ जल्दी से उसके चैनल पर जाकर कमेंट करो। तो अभी हो चुका है यहाँ पे अंधेरा, तो अभी मैं जा रही हूँ अब अपनी वीडियो एडिटिंग करने। तो अभी जो है वो मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है और यहाँ मेरी चाय भी खत्म हो चुकी है, खाली बॉटल बची है यहाँ पर और अभी कुछ भी नहीं है और ना अभी चाय वाय मिल गई हमें। बहुत ज्यादा मेरा सर दुख रहा है, पता नहीं क्यों। ये जो ट्रेन इतनी हिल रही है ना इसकी वजह से मेरा सर दुखने लगता है बहुत ज्यादा। थोड़ी सी रिंग लाइट जला लेती हूँ, खुशी देख रहे हैं आप लोगों, माई गॉड क्या लग रहा है रिंग लाइट। मैं कुछ पी लेती हूँ मेरे पास। वो मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, आप लोग चौक जाएंगे और वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं लेकर आई हूँ और मैं फर्स्ट टाइम ये लेकर आई हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ BTS की कॉफ़ी। तो आप लोग बताओ अगर आप लोगों में से किसी ने BTS की कॉफ़ी पी है तो कैसा लगा है आपको। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। मैं लेकर आई हूँ एक, मेरे पास एक कोल्ड कॉफ़ी और एक है हॉट। तो हॉट तो शायद मुझे लगता है गर्म करके पीना होगा, मैं कोल्ड ट्राई करके देखती हूँ। ये है जिमिन का, ये है जिमिन और ये है सूगा। तो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये वाली कोल्ड कॉफ़ी। तो चलो पीकर देखते हैं फर्स्ट टाइम कैसा लगता है, पता नहीं मुझे टेस्ट कैसा होने वाला है इसका। स्मेल करने में ऐसा लग रहा है बहुत कड़वी ड्रिंक होने वाली वाली, बहुत कड़वी है। मैं ये वाली ट्राई करके देखती हूँ ये वाली कैसी है। आप लोग बताओ आपका फेवरेट कौन है BTS में? मुझे तो जिमिन अच्छा लगता है, जिमिन अच्छा लगता है, इसलिए जिमिन वाली ड्रिंक अच्छी है। तो मुझे जाना है अभी वॉशरूम, तो चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम कैसा है। चलो अभी चलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरा लेंस निकालने क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो हो रहा है। भैया यहाँ तो खाने से ही फुर्सत नहीं है, हर सेकंड खाना ही आते जा रहा है यहाँ पे। मकासा भी उठ गया, इसका चिकन भी गर्म होकर आ गया, मकासा भी खाना खाएगा, मकासा भी खाना खाएगा। तो चलो अब ठूसी ठूसी कर लेते हैं। प्यारा बच्चा बताइए दोनों हाथ और क्या बोलेंगे। गाइज अभी पता क्या हुआ था, अभी ना मैं वॉशरूम गई थी और ना वॉशरूम में पागल आ गया था, पागल तो शायद ट्रेन में घुस गया था वो, बटन कैसे घुस गया, शायद वो जो कानपुर स्टेशन आया था ना उसमें घुस गया होगा, वो उसको पकड़ रहे थे सब। लेकिन वो लोग बहुत प्यार से लेकर गए कि चलो कुछ नहीं करेंगे हम लोग तुम्हें, आ जाओ हमारे साथ बैठो। सुख 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 ट्रेन चलती है। मकासा का एक प्रॉपर अपना सीट है, मकासा की अपनी सेपरेट सीट है, बर्थ है जो यहाँ पे घूम रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ बेड बनाने और समरीन का दूसरा अपना बेड है, लेकिन फिर भी वो हमेशा बचपन से मेरे साथ ही सोती है एक ही बेड पे, तो हम नाम लिए लेते हैं वो बस। तो अभी
अभी हम लोग पता नहीं कौन से स्टेशन पर, मुझे नाम भी नहीं पता कौन से स्टेशन है यार। तो ये है स्टेशन दीन दयाल उपाध्याय और अभी हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, रात में 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पे है छोटा बच्चा, यहाँ पे छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, स्टेशन। अभी बज रहा सुबह के 4:30 और मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गई हूँ और मैं कहाँ आई हूँ वो आपको देखने को मिलेगा समरीन के व्लॉग चैनल पे, तो आप लोग जाके देख लेना। और मेरा चैलेंज यहीं पे कंप्लीट होता है जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज बहुत खराब हुई है, मेरे सर्वाइकल का दर्द बहुत बढ़ गया, मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत। तो चलो अभी यहाँ पे सामान पैक वैक हो गया है, अब हम यहाँ से निकलते हैं और मेरा चैलेंज होता है यहाँ पे खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोग मुझे बताना कि क्या आप लोगों को ट्रेन में ट्रैवल करना अच्छा लगता है। और अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप लोग जल्दी से मुझे फॉलो कर लो, मेरी आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।